हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्टनर सिंह एकेडमी। आज का टॉपिक है साइकियाट्री में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि द साइको एनालिटिक अप्रोच, और उसका डिस्कवर किया था किसने, द फेमस सिगमंड फ्रॉयड ने। तो फ्रॉयड का नाम आप सभी ने सुने हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड जो है जो साइको एनालिटिक अप्रोच का डिस्कवर किए, तो इसमें क्या डिस्क्राइब किए उसने डिस्क्राइब किए है ह्यूमन माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके साथ पर्सनालिटी जो डेवलप होता है ह्यूमन का, उसका पीछे क्या साइकी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें दो हेडिंग आ जाता है। एट फर्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा है सब सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ये दो चीज़ इसमें हैं। तो सबसे पहले क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस और इसे और एक नाम से भी जाना जाता है जो है कि टोपोग्राफी ऑफ माइंड, माइंड का टोपोग्राफी। तो अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, टोपोग्राफी ऑफ माइंड। तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड अगर हम देखते हैं तो इसे पहले एक आइसबर्ग की तरह हमें सोचनी होगी। आइसबर्ग क्या है, ऐसे सोचिए, ये है वाटर लेवल, इसके ऊपर ऐसे आइसबर्ग है और इसके नीचे ऐसे है। तो देखिए, ऊपर से वाटर लेवल के नीचे जो है वो ज़्यादा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊपर में जो है वो दिख रहा है। तो हम क्या सोचते हैं, बाहर से अगर कोई देखते हैं बर्फ़ को तो सोचते हैं कि इतना सा ही बर्फ़ है, लेकिन अगर हम जो जानते हैं कि आइसबर्ग क्या है तो वो जानता है कि ऊपर में इतना है तो नीचे और भी ज़्यादा है, तो ये टोटल है आइस। तो वैसे ही ह्यूमन का जो माइंड है वह हम बाहर से जो देखते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस लेवल क्या है, जो बाहर से दिखाई देता है। जब हम जागे हुए रहते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे साथ हो रहा है, जैसे कि हम लोगों का जो थॉट है, वो जो फीलिंग्स है, जो सेंसेशंस है, वो सब कुछ आ जाता है कॉन्शियस लेवल के अंदर में। उसके बाद है प्री कॉन्शियस, जो क्या है इसके बीच में है, कॉन्शियस लेवल और एक जो पार्ट है उसके बीच में है प्री कॉन्शियस लेवल। उसमें क्या होता है, हमारे साथ जो कुछ भी चीज़ हुई है, जैसे कि कुछ पेनफुल इमोशंस या कुछ और भी एक्सीडेंट ऐसा कुछ, या पेनफुल और कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो हमारे साथ हुए थे पास्ट मोमेंट में, उससे हम पार्शियली भूल जाते हैं। तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होता है प्री कॉन्शियस लेवल में। ठीक है, तो वो एक्ट कैसे करते हैं, वो एक्ट करते हैं वॉचमैन की तरह, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वो स्टोर रहता है। और ह्यूमन माइंड का जो देखिए, ये जो पूरा है, ये जो पूरा पार्ट बर्फ का जो सबसे बड़ा है, ह्यूमन माइंड का भी माइंड का एक पार्ट है जो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट पार्ट है, उसे हम जानते हैं अनकॉन्शियस लेवल के नाम से। इससे क्या होता है, अनकॉन्शियस लेवल क्या है, ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है जहाँ पे सब कुछ स्टोर रहता है। इट्स वर्क्स लाइक अ स्टोर हाउस, जहाँ पे मेमोरीज, फीलिंग्स, रिस्पॉन्सेस, एंटायर लाइफ टाइम में जो कुछ भी एक इंडिविजुअल गेन करता है, सब कुछ स्टोर रहता है अनकॉन्शियस लेवल में। तो टोपोग्राफी ऑफ माइंड अगर हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे तीन पार्ट है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो है, जो हम जागे हुए देख रहे हैं, बाहर से दिख रहा है, वो है कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच का जो पार्ट है, जहाँ पे पार्शियली फॉरगॉटन जो मोमेंट्स है वो स्टोर रहता है, वो है प्री कॉन्शियस लेवल। तो इसमें क्या है, अगर हम सोचते हैं तो वो कभी कभी याद भी आ जाता है, तो वो है प्री कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस लेवल क्या है, जो है माइंड का सबसे बड़ा पार्ट, जहाँ पे हमारा एंटायर लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रहा है हम लोगों के साथ, सब कुछ स्टोर रहता है, तो वो है अनकॉन्शियस लेवल। तो ये हो गया एक नंबर पार्ट, जो है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और टोपोग्राफी ऑफ माइंड। तो अभी हमें सब सिस्टम्स ऑफ पर्सनालिटी देखनी है। तो इसमें आ जाता है तीन चीज़, जो है कि एट फर्स्ट, इसमें देखिए तीन चीज़ आ जाता है। एट फर्स्ट है ईद, दूसरा नंबर है ईगो, और तीसरे में है सुपर ईगो। तो ये तीन चीज़ इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हमें जाननी है कि ईद है क्या। ईद है, ईद मतलब है प्लेजर प्रिंसिपल,
प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि ईद जो है उसमें क्या होता है, वो प्लेजर ढूंढते रहते हैं। तो सोचिए कि कभी भी हम एक एंगेजमेंट सेरेमनी में गए हैं, तो अभी हमें भूख लगी है वहाँ पे, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हमें भूख लगी है तो अभी हमें खाना है, तो ये तो खाने से हमें क्या होगा, हम लोगों को प्लेजर मिलेगा। तो ये हो गया प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये ईद है, ये पूरा बच्चों में दिखाई देता है जो न्यू बॉर्न है। क्यों? न्यू बॉर्न में ईद ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी उसे भूख लगता है तो वो क्या है, रोते रहते हैं। तो जब हम उसे खिला देते हैं तो वो चुप हो जाता है। तो वो क्या है, वो उसका ईद सबसे हाई होता है न्यू बॉर्न में। तो ईद हो गया प्लेजर प्रिंसिपल। तो ईद जो पूरा है वो पूरा अनकॉन्शस लेवल में है, ईद जो है वो पूरा अनकॉन्शस माइंड में है, तो वो कॉन्शसली हम नहीं करते हैं, तो ये इसलिए ये ईद आ जाता है अनकॉन्शस माइंड में। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ईद है प्लेजर प्रिंसिपल, जो है कि जो हमें डिज़ायर आ रहा है वो हमें इमिडिएटली फुलफिल करनी है, तो वो हो गया ईद। तो अभी मैं ईगो के बारे में नहीं बताऊंगी, सबसे पहले मैं बताऊंगी सुपर ईगो के बारे में। तो सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो एक ऐसा चीज़ है जो हम न्यूबॉर्न जब होता है तब नहीं दिखाई देता है, जब हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बच्चे से बड़ा हो रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हमारा जो टीचर है, हमारा जो एनवायरनमेंट, हम लोगों का जो पेरेंट्स है, वो सिखा रहा है कि सोशली कौन सा चीज़ एक्सेप्टेबल है, सोशली कौन सा चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि कौन सा चीज़ राइट है, कौन सा चीज़ रॉन्ग है, वो सिखा रहे हैं। तो जो हम सीख मिल रहा है तो उसे ही हम बोलते हैं सुपर ईगो। तो इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, जो है कि मॉरल्टी प्रिंसिपल। तो मॉरल्टी प्रिंसिपल मतलब सोशली जो एक्सेप्टेबल चीज़ है उसे ही हम बोल रहे हैं सुपर ईगो। तो वही एक पुराना वाला एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि कोई भी एक एंगेजमेंट सेरेमनी में हम गए हैं तो हमें भूख लगी है, तो ईद अगर बोल रहा है कि हमें अभी खाना है, हमें अभी वो प्लेजर चाहिए, तो सुपर ईगो क्या बोलेगा फिर? सुपर ईगो बोल रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोरालिटी प्रिंसिपल। तो अभी आते हैं हम ईगो। ईगो एक ऐसा चीज़ है जो क्या कर रहा है, ईद ईद जो है और सुपर ईगो जो है उसे बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? ईगो। कैसे बैलेंस कर रहा है? बैलेंस कर रहा है ऐसे ही, तो एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। ईद बोल रहा है क्या, हमें अभी भूख लगी है, अभी खाना है। सुपर ईगो बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, रॉन्ग आइडिया है, तो हम नहीं करेंगे। अब ईगो क्या बोलेगा? ईगो का मतलब है रियलिटी प्रिंसिपल। रियली जो होनी चाहिए वही है ईगो। तो ईगो बोलेगा कि हमें भूख तो लगी है, और अगर हम अभी खाएंगे तो सब हंसे हंसेंगे यहाँ पे कि कोई नहीं खा रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है खाने के लिए, आ नहीं, तो हमें नहीं खाना है। तो ईगो सोचेगा एक प्लान जिससे क्या होगा, ईद भी फुलफिल हो जाएगा, और सुपर ईगो में हम लोग जो सीखे हैं मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा चीज़ भी नहीं होगा, तो हमें प्लान करना होगा कि कैसे हम अभी खा सकें। तो ये हो गया ईद, ईद ईगो। तो इसमें क्या होगा, ईद भी बैलेंस हो गया, सुपर ईगो भी बैलेंस हो गया, तो ये हो गया ईगो। तो देखिए टोटल जो थ्री पार्ट है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, तो ये बैलेंस हो जाता है कहाँ पे, ईगो में। तो ईद क्या है? टोटली अनकॉन्शियस लेवल में है, टोटली अनकॉन्शियस जो है वो है ईद। ईगो में क्या है? ईगो तीन मिला के है, मतलब तीन पार्ट सेम सेम है, कॉन्शस माइंड भी है, अनकॉन्शस भी है, प्री कॉन्शस भी है। तीन अगर सेम सेम होता है तो वो हो जाता है ईगो। और सुपर ईगो में क्या है? सुपर ईगो में क्या है, अनकॉन्शस लेवल तो है ही, प्री कॉन्शस लेवल थोड़ी सी है, और कॉन्शस लेवल भी थोड़ी सी है, कॉन्शस लेवल थोड़ी सी, प्री कॉन्शस लेवल थोड़ी सी, और अगर अनकॉन्शस लेवल ज़्यादा है तो वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है सुपर ईगो। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, ये एक साइकियाट्री का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से समझना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये चीज़ मैंने कोशिश की है पूरा बताने की, तो ये और एक बार मैं रिवाइंड कर देती हूँ। देखिए साइको एनालिटिक अप्रोच क्या है, जो सिगमंड फ्रॉयड ने डिस्कवर की थी, तो उसमें दो चीज़ थी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि टोपोग्राफी ऑफ माइंड, और दूसरा है सब सिस्टम्स और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी।
तो उसमें तीन चीज़ आ जाता है, ईद। ईद मतलब है जो न्यूबॉर्न में दिखाई देता है, जो है कि प्लेजर सीकिंग। ईगो क्या है? बिल्ड होता है बाद में, जो बेस करता है क्या, रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। और सुपर ईगो डेवलप्स होता है थ्रू द टीचिंग एंड लुक्स फॉर परफेक्शन। तो ये हो गया टोटल साइकोएनालिटिक अप्रोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।